अरे भाई ये एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हो एक बस का अभी। Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, bang got my hand, bang got my hand. Call. And hey guys, welcome back to my channel. It's me, MTS, back again with another vlog. So, आज है संडे और संडे मतलब होती है अपनी संडे राइड। वैसे आज भी मैं अकेला ही हूँ संडे राइड पे। पिछले बार भी मतलब अकेली शुरुआत की थी, फिर बाद में ओम आया था, फिर कंटिन्यू की थी हमने दोनों ने साथ में राइड, थोड़े बहुत रिएक्शंस लिए थे। लेकिन आज तुम्हारा भाई अकेला है, लिटरली अकेला, क्योंकि ओम भी आज नहीं आ पाएगा बिकॉज वो कहीं तो बाहर गया है उसके फैमिली के साथ, ऐसा उसने कहा था। फिर और एक दो फ्रेंड्स से उनको पूछा था यार, उनका भी यही जवाब था कि भाई मतलब उनका जवाब ही नहीं, एक्चुअली उनके तो फ़ोन ही नहीं लगे। तो मैंने सोचा यार भाई जाने दो, अपन खुद चलते हैं अपनी राइड पे, क्योंकि यार अपने को राइड से प्यार है, अपने को अपनी बाइक से प्यार है, अपने को घूमना पसंद है अपनी बाइक पे। जिसको ज्वाइन करना है इस राइड को दे आर मोस्ट वेलकम, जिसको नहीं करना है कोई ना, हम अकेले कर लेंगे। वैसे अभी बज रहे हैं 3, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो अगर दिख रहा होगा आपको तो। सो 3 बज रहे हैं, अभी हम आए हैं औरंगाबाद रोड पे। ये है इंद्रायणी होटल, ये जो सामने आपको दिख रहा है। अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ तो यार गए हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं, थोड़ी बाइक भगाते हैं। वैसे ये वीडियो स्पेशली मैं आज बना रहा हूँ अपने एग्जॉस्ट का रिव्यू देने के लिए। सो यार मैंने मतलब जब एग्जॉस्ट लगाया था तब मैंने ये बात भी कही थी कि यार हम एक अच्छा सा रिव्यू वीडियो बनाएंगे अपने इस एग्जॉस्ट के ऊपर, जो कि है 80 प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट। हाँ ये फ्री फ्लो एग्जॉस्ट नहीं है, मतलब अगर वो उसके ऊपर जो जाली लगी होती, अगर वो नहीं होती तो ऑब्वियसली एक फ्री फ्लो एग्जॉस्ट होता, लेकिन वो जाली की वजह से ये फ्री फ्लो एग्जॉस्ट नहीं रहा। ओके सो तो इस एग्जॉस्ट के बारे में आपको थोड़ी बातें बताता हूँ। मतलब ये जो एक महीना मैंने इस एग्जॉस्ट को यूज़ किया अपने बाइक के साथ, ये एक महीने में मतलब मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई या फिर कैसा था इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस, ये आपको मैं शेयर करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। सो बेसिकली जब हमने ये एग्जॉस्ट लगाया था तब इस एग्जॉस्ट का जो साउंड था वो इतना ज़्यादा लाउड नहीं था, मतलब अभी जितना लाउड आ रहा है उतना ज़्यादा लाउड नहीं था, काफ़ी हल्का था बिकॉज़ यार नया एग्जॉस्ट था। लेकिन अभी एक महीना हो चुका है तो मतलब आप समझ लो कि ना एग्जॉस्ट पे अंदर की तरफ से अच्छे से कार्बन जम चुका है एंड थोड़ा ओल्ड हो रहा है एग्जॉस्ट, तो इस वजह से ना एग्जॉस्ट का जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रही है। एंड मैंने ये स्लिप ऑन लगाया था तो उस हिसाब से अगर देखें तो साउंड कम है गाड़ी मतलब बाइक का, लेकिन बहुत ही सही एक बेसी साउंड आ रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बेस है इस साउंड में। एंड ये सबसे बेस्ट बात है इस एग्जॉस्ट की, मतलब इसमें बेस काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये एक महीने के एक्सपीरियंस में अगर आपको बताऊँ तो मतलब माइलेज ड्रॉप वगैरह तो मेरे को नहीं दिखा इतना, क्योंकि नॉर्मली मैं डेली भी अगर बाइक चलाता हूँ ना तो अगर मैं 1 लीटर फ्यूल डालता हूँ बाइक में तो आराम से मेरी बाइक 2 से 3 दिन आराम से चल जाती है, मतलब 2 दिन तो नॉर्मली चली जाती है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन चल जाती है। सो ये एक अच्छी बात है। तो मतलब हमें जो एग्जॉस्ट है वो लगाने से मतलब माइलेज ड्रॉप इतना नहीं आया, मतलब होगा माइलेज ड्रॉप लेकिन 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छी बात है ये हमारे लिए, क्योंकि क्या होता है कि ना अगर आप एग्जॉस्ट लगाते हो आपको ना माइलेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा मिलता है। एंड माइलेज ड्रॉप अगर ज़्यादा मिलता है मतलब कि यार आपको पैसे ज़्यादा फूकने पड़ते हैं पेट्रोल के लिए,
एंड मुझे इतना ज़्यादा माइलेज ड्रॉप नहीं आया है, तो यार ये एक अच्छी बात है कि यार ज़्यादा पैसे नहीं जा रहे हैं पेट्रोल में, काफ़ी अच्छी बात है ये हमारे लिए। एंड सेकेंड बात कि यार राइडिंग में तो यार इतना ज़्यादा मज़ा आता है इस एग्जॉस्ट के साथ कि मतलब आप जब राइड कर रहे हो ना, ये आपको भी इतना ज़्यादा प्लीजिंग साउंड है, मतलब इस बाइक का, इस एग्जॉस्ट का इतना ज़्यादा प्लीजिंग साउंड है कि आपको लिटरली राइड्स में मज़ा आएगा। चाहे राइड अनकंफर्टेबल भी क्यों ना हो, लेकिन आपको मज़ा आएगा। अनकंफर्टेबल का मतलब ऐसा कि अगर आप लगेज वगैरह कैरी कर रहे हो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है लगेज वगैरह कैरी करने में, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा साउंड अच्छा आता है इसका। तो यार एक मूड जो होता है ना, वो फ्रेश हो जाता है पूरा। एंड ऑब्वियसली हम जब राइड्स करते हैं ना, तो राइड्स करते हो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश मूड रहता है बस इस एग्जॉस्ट की वजह से। फिर कभी कभी क्या होता है कि ना, बीच में खाली रास्ता देख के हमको मतलब ऐसा दिल करता है कि यार गाड़ी भगाई जाए। एंड उस टाइम पे जब ये साउंड देती है ना, अलग लेवल की साउंड देती है ये बाइक, मतलब ये एग्जॉस्ट जो है ये अलग लेवल का साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको वहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी है, आप जा रहे हो मॉडिफिकेशन करने के लिए, अरे वाह क्या राइडर्स थे यार। चलो कोई ना, अच्छी बात है, हम भी एक राइडर है। बस यार इतना है कि यार उनसे मुलाकात नहीं हो पाई अपनी। हाँ अगर साथ में होते तो शायद मुलाकात कर लेते एक, लेकिन कोई ना, हम थोड़ा और अभी खींचते हैं बाइक को। एंड साउंड आप देखो, मतलब काफ़ी ज़्यादा बेस्ट साउंड, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट, यही इस एग्जॉस्ट की सबसे बड़ी अच्छी बात है। आई लव दिस यार, आई रियली लव दिस, और इसका साउंड काफ़ी प्लीजिंग है, काफ़ी मज़ा आता है सुन के। अरे भाई ये एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हो एक बस का, अभी कैसे हुआ है किस चीज़ से वो तो मुझे पता नहीं। मतलब आई होप यार किसी को चोट वगैरह नहीं आई होगी। यहाँ पे ना भीड़ भी बहुत हो चुकी है, यार आप अगर यहाँ से देखोगे तो यार बस का मतलब सामने का पूरा शीशा ही टूट चुका है। जब हम गए थे तब नहीं था, अभी आते वक्त ये चीज़ देखने मिली, गलत यार, बहुत ही गलत हुआ ये। सच में यार ऐसा देख के ना बहुत ज़्यादा डर लगता है कभी कभी। आई होप कि जितने भी लोग उसमें ट्रैवल करते हैं सबके सब ठीक हो, किसी को कुछ चोट वगैरह नहीं आई हो। यार ऐसे सिचुएशंस काफ़ी डेंजर होते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है, Thank you.
हाँ मिलेगा दादू गज है बरूबर है बाकी का है ना दालन को वाला बाकी का अच्छा हाँ मैं आत्ता राइड करून गेलो तो इधून मैं आत्ता वर गेलो मग करून परत आलो खाली आत्ता पाहिली एवढी गर्दी मला वाटलं काहीतरी हाय इव्हेंट म्हणून म्हणजे ड्रायव्हरला का ते बस खतरनाक सीन राव हा ना अरे खरं सांगू ना हळूहळू म्हणजे लिमिटमध्ये चालायला पाहिजे ना गाडी ठोकलं कोणी त्यांनी म्हणजे ठोकलं कोणाला त्यांनी ठोकलं कोणाला त्यांनी गाडी कोणाला ठोकली त्यांनी टू व्हीलरवर अच्छा पाय पायवर अरे बापरे अरे बापरे मला वाटलं गाडीला ठोकलं बापरे हा खतरनाकच आहे वो यार यहाँ पे ऐसा कुछ सीन हुआ हमको इस भाई ने बताया कि ये जो बस ड्राइवर था वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा था एंड उसने रास्ते पे से दो जन क्रॉस कर रहे थे रोड एंड उनको ठोक दिया तो हम चलते हैं भाई यहाँ से